हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं तो एकदम फिट फाइन एंड आई होप आप भी एकदम हेल्दी होंगे। तो टेस्टी इंडिया के आज के सफ़र में मैं आपको लेकर आया हूँ मालवीय नगर श्री राम चाट। यहाँ पे हमने एक और वीडियो भी कवर करी है जिसमें हमने ऑलमोस्ट इनका जो चाट का आइटम है वो सारा कवर करा है। वो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करो, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इनका जो है स्पेशल आलू टिक्की। और जी हाँ, स्पेशल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाकई में इनकी जो आलू टिक्की है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको उसकी प्रिपरेशन दिखाता हूँ, उसके बाद टेस्ट करेंगे और बात करेंगे हमारे जो किशन भैया हैं यहाँ के ओनर, उनसे भी। आप वीडियो में बने रहिए। किशन भैया एक बार फिर आ गए हम, इस बार क्या खिला रहे हो आप हमें? आपने क्या बोला था पिछली बार? टिक्की। तो आप टिक्की की वजह से गाइस, मैं टिक्की की वजह से आया हूँ क्योंकि टिक्की तो इनकी वाकई में लाजवाब है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि दिल्ली की ना बेस्ट टिक्की है, इससे बेटर टिक्की नहीं मिलती कहीं पर भी। तो चलिए हम आज टेस्ट करेंगे किशन भैया की स्पेशल जो है यहाँ की श्री राम चाट की टिक्की। अच्छा किशन भैया, जिस व्यूवर्स ने हमारी पुरानी वीडियो अगर नहीं देखी है उनके लिए एक बार आप यहाँ की लोकेशन समझा दो। ये है मालवीय नगर D89। अच्छा, सामने फ्रंट पर पड़ता है लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसके बगल में एयरटेल का शोरूम। अच्छा गाइज, लक्ष्मी नारायण मंदिर है सामने इसी के, उसके बराबर में जो है एयरटेल का शोरूम भी है और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है डिटेल मिल जाएगी। तो चलो अब हम लगवाते हैं हमारी टिक्की। ये है हमारी टिक्की की फिलिंग जैसे आप देख रहे हो, और इसमें जैसे उन्होंने बताया कि ड्राई फ्रूट्स हैं, तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखो काजू आपको नज़र आ रहा है ना, काजू, और कितना सारा पनीर है इसमें यार। टिक्की की आलू है, ठीक है, उबला हुआ आलू है, उबला हुआ। ओके, टिक्की बनती है इससे और टिक्की के अंदर ये जाता है। ओके गाइस, और साथ में ये है इनकी चटनी। इस चटनी के अंदर क्या क्या है? केला है, अनार है। अच्छा, अमचूर की चटनी है, अंदर केला है, अनार है, अनार है, अमचूर की चटनी है, अमचूर। अच्छा ओके गाइस, देख रहे हो ना, देख के यार मुँह में पानी आ रहा है मेरे। तो बन रही है हमारी टिक्की और देख रहे हैं आप कि इसके अंदर, अरे वाह, ये देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा फिलिंग करी है इन्होंने टिक्की के अंदर। और ये भैया ने बना दी टिक्की। सो गाइस, ये लग रही है हमारी टिक्की। अब भैया ने डाल दिया इसमें प्याज और ये हरी मिर्च की चटनी जो है, हरी चटनी भाई, और ये आमचूर की चटनी जो है आपकी। ओके गाइस, देख रहे हो ना यार कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। अब इस पे क्या डालोगे? इसमें आपको दही डालेंगे। दही डाल दिया भैया ने। चलो गाइस, दही डल गया है और ये ऊपर से डल गया अनार। अरे वाह, ये अदरक। अरे वाह, तो चलो गाइस अभी हमारी टिक्की हो गई रेडी, चलो इसको टेस्ट करते हैं। क्वालिटी देखो आप यार, इतनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है देखने में ही। तो चलो अब मैं टेस्ट करता हूँ इसको और हम लेंगे यार एक बड़ी बाइट, ठीक है। और देखो इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं यार, अनार है, अदरक है, ठीक है, और इसके अंदर फिलिंग तो आपने देखी ही है, तो काजू की, किशमिश की और पनीर की फिलिंग है। चलो अब लेते हैं एक बड़ी बाइट। और हाँ गाइस, अगर आपको खाना है ना तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल हैं विद गूगल मैप, आप उसको फॉलो करके आ जाओ मालवीय नगर में श्री राम चाट। चलो जब तक मैं खा लेता हूँ। और इनके जो दही का टेस्ट है, इसके अंदर चटनी का टेस्ट है और उसके साथ जो ये टिक्की इतनी ज़्यादा क्रिस्पी है, साथ में जो फिलिंग करी है ना उन्होंने, उससे तो वाकई में ये स्पेशल टिक्की हो जाती है फॉर श्योर। मैं थोड़ा सा और टेस्ट करता हूँ इसको, तो एक बार फिर से हम बड़ी बाइट लेते हैं। क्या कहते हो, खा लिया जाए? ओके, वाह, वाकई में इसीलिए मैं इसको स्पेशल ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये वाकई में इतनी स्पेशल है यार। टेस्ट इसका वाकई में बहुत अच्छा है, मतलब दिल्ली की ना बेस्ट है आलू टिक्की, ऐसी आलू टिक्की नहीं मिलेगी आपको और कहीं, इसके लिए मालवीय नगर ही आना पड़ेगा आपको। इसको मैं फिनिश करता हूँ और यहाँ पे जो किशन भैया ना इसके ओनर, उन्होंने कहा यार चाट पापड़ी भी यहाँ पे टेस्ट करो, तो उसको टेस्ट करते हैं आप। भैया नाम क्या है आपका? शिवा। अच्छा, ये जो किशन भैया है ना यहाँ के ओनर, उनके छोटे भाई हैं, तो शिवा भाई आप भी मतलब भाई की हेल्प करने के लिए आ जाते हो यहाँ पे? हाँ जी। सही है, तो आपका फेवरेट क्या है यहाँ पे वैसे? वैसे भल्ला पापड़ी। भल्ला पापड़ी भाई, इन्होंने स्पेशली इन्होंने रिकमेंड करा था कि आप भल्ला पापड़ी ज़रूर टेस्ट करो। तो चलो फिर भैया लगा दीजिए आप, हम टेस्ट करते हैं आप।
ये लग रही है हमारी भल्ला पापड़ी चाट। और ये भैया आपने जो है पापड़ी डाली है ये आप खुद बनाते हैं यहाँ पे? अच्छा खुद बनाते हैं ये, चलो ये बहुत अच्छी बात है गाइस कि पापड़ी जो है खुद बनाते हैं मोस्टली, क्योंकि हर जगह ना ऐसे होता है कि बाहर से खरीदते हैं लोग। और ये क्या डाल रहे हो आप? आलू। आलू डाल दिया है, ओके। आलू और चने, ओके। सो गाइस ये आलू और चने डल गए इसमें। ये क्या डाल दिया भैया? मसाला। ये नमक डाल दिया है। और गाइस ये इनका स्पेशल मसाला है, रेसिपी नहीं मिलने वाली आपको इसकी, बेफिक्र रहो आप ये। और अब ये डलिए इसके ऊपर इनकी जो है मीठी वाली जो चटनी है ना इनकी, वो डल गई है। और ऊपर डाल दिया है इन्होंने दही, और दही की कंसिस्टेंसी देखो यार आप, कितना ज़्यादा गाढ़ा दही है ना। और दही भल्ला पापड़ी चाट में दही तो यार मेन रहता है। और भैया ने ऊपर से फिर से डाल दिया इनकी मीठी वाली चटनी, और अब ये डाल दिया इन्होंने हरी वाली जो है स्पाइसी चटनी। वाह, मेरे तो मुँह में अभी से ही पानी आ रहा है गाइस। और ये डाल दिया भैया ने, जैसे इनके ऊपर तो ये अदरक के लच्छे हैं और थोड़ा सा अनार है, ओके। और ये भैया ने रेडी कर दिया हमारी भल्ला पापड़ी चाट, ऑलमोस्ट ये भल्ला पापड़ी चाट हमारी हो गई है रेडी। थैंक यू सो मच भैया। सो गाइस ये रही हमारी भल्ला पापड़ी चाट। पहले हाँ हम इनकी जो पापड़ी है ना, सिर्फ पापड़ी को टेस्ट करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा अगर आपको खाना है ना, तो उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, आप उसको फॉलो करके यहाँ आ सकते हो श्री राम चाट मालवी नगर में। तब तक मैं टेस्ट कर लेता हूँ। और भाई वाकई में इनकी जो ये पापड़ी है ना, इसका टेस्ट अलग है यार। मतलब ऐसा टेस्ट और जगह बहुत रेयरली होता है कि ऐसा टेस्ट मिले, क्योंकि ये खुद बनाते हैं और 30 साल का एक्सपीरियंस आपको पता ही है। थोड़ी सी और टेस्ट करते हैं और इस बार भी हमें लेते हैं एक बड़ी बाइट। अब इनका जो भल्ला है उसको भी टेस्ट करते हैं। और भल्ले का साइज़ देखो यार, कितना बड़ा भल्ला है, देख रहे हो आप, इतने बड़े साइज़ का है। और इसकी भी एक बड़ी बाइट लेते हैं ना यार। तो ये लिया, देख रहे हो ना, ये भी कितना ज़्यादा लजीज लग रहा है। और इसको भी ये इन्होंने मूंग और उड़द की दाल का बनाया है, और उड़द की दाल का जो टेस्ट है ना वो तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और काफ़ी सॉफ्ट भल्ला है। थोड़ा सा और टेस्ट करते हैं और बताना चाहूँगा। इसके बाद ना हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री भी है, वो भी टेस्ट करेंगे, आप बने रहो वीडियो में, भी ख़त्म नहीं हुई है, इसको मैं फिनिश करता हूँ। यहाँ पे आए हैं और इतना सारा फूड खाया है तो डाइजेशन करना भी तो बनता है ना, तो इसके लिए हम गोलगप्पे टेस्ट करेंगे। चलो तो भैया सूजी वाले दे दीजिए। और ये लो गाइस, भैया ने दिया दिए सूजी वाले गोलगप्पे, उनका पानी भी काफ़ी मज़ेदार है यार। चलो उसको खा लेते हैं, आप आ रहा है ना मुँह में पानी, आप भी आ जाओ तब तक मैं खा लेता हूँ। वाह, अरे वाह, एक और दे दिया भैया ने। काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी फ्रेश है यार, पानी का जो टेस्ट है ना काफ़ी रिफ्रेशिंग है। मतलब आप देख सकते हैं काफ़ी गर्मी हो रही है, लेकिन इसको ना इसका टेस्ट से एकदम फ्रेश फील हो रहा है। तो चलो देखो तो चलो गाइज मैं थोड़ा सा पानी और लेऊंगा, लेकिन इस वीडियो को मैं करता हूँ फिनिश। मैं मिलूंगा आपको जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये पसंद आया है और आपके मुंह में भी पानी आया है ना, तो जल्दी से आ जाओ मालवी नगर श्री राम चाट। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी विद गूगल मैप। और वीडियो को यार शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जिनको भी चाट पसंद है, पापड़ी पसंद है, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एनी हेल्थी एंड स्टे फिट। मैं मिलूंगा आपको जल्दी, बाय बाय।